जंग बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की लड़ी की तुम मार दो आज मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो देख रहे हैं ये जब साथ में हो तो कोई चुनौती नहीं हो और ऐसी अगर चुनौतियां आ भी जाए तो हंस हंस का सामना इनके मोरली सपोर्ट के साथ में कर सकता और इन्होंने विश्वास जो जताया इन्होंने जो कंधे से कंधा मिला के मुझे मेरे साथ चले ये जीत भाई ये जो ऐतिहासिक जीत ये मेरे सामने जो बिराजी ये युवा शक्ति है इसकी जीत मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा था चुनाव ये जो सारी युवा शक्ति ये सब चुनाव लड़ रहा संगठन को नकार कर जातिवाद को नकार कर क्षेत्रवाद को नकार कर सांप्रदायिकता के नाम को नकार कर एक आगे बढ़ी है एक ललक जो आज उन्होंने जगाई ये इन सब की चीज है क्या मुद्दे थे किन मुद्दों के आधार पर आपने इलेक्शन लड़ा विश्वविद्यालय के अंदर जब बात करें कई सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर पिछले 5-6 साल से मैं विश्वविद्यालय में हूँ छात्र संघ चुनाव भी देखता हूँ कई सारे छात्र संघ अध्यक्ष थे पर मुझे जो बदलाव जो मुझे अलग एक मैनिफेस्टो चाहिए था वो नहीं मिलता था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया मैंने वही मैनिफेस्टो देखा जो मुझे पिछले चुनाव में देखा तब सोचने में आया कि साहब हर जगह जब ये चीज़ें चलती रहेगी तो फिर बदलाव होगा कैसे बदलाव करेगा और रही बात दूसरी मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि मैं जो स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवारों के जो बच्चे हैं उनको मैं एक भाई फोन ला रहे फोन ताकि आज विश्वविद्यालय ने उनकी फीसें तो माफ कर दी पर नहीं होगा तो फीस माफ की और मैं चाहता हूँ दिव्यांगों के और जितने भी विद्यार्थी है जिनको विश्वविद्यालय में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो एक सुचारू रूप से अपना काम कर सके और प्रवेश परीक्षा और परिणाम विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के कोई भी विद्यार्थी उसका सबसे बड़ी यही मुद्दा रहता है कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों समय पर तो मेरा सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों के लिए एक सिस्टमेटिक शेड्यूल तैयार हो
भाई 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 पूरा छात्र संघ सपोर्ट कर रहा है ना भाई, ये और विश्वविद्यालय प्रशासन उस पे खड़ा। आपने छात्र संघ में राजनीति आगे राजनीति में बाड़मेर की राजनीति देखो, मैं वर्तमान में जीता हूँ भविष्य में नहीं। अगर वर्तमान बेहतर होगा तो भविष्य भी होगा। प्यार और स्नेह मेरा घर है, यहाँ तो मिलना ही है। और जो युवा शक्ति ने आज जो मुझे बताया, जो प्यार और लाल समान और मैं ऋणी हूँ उनके प्यार का, उम्र भर में विश्वास जो ये छत्तीस कौम ने मेरे ऊपर जगाया है, मैं वादा करता हूँ इनके साथ हमेशा ताल से ताल मिला के।